आज मुझे रे छुई आलु बैगण बड़ी बेसर झोल रेसीपी प्रस्तुत कर देखी। ए रेसीपी सब ओडिया घर निहाती बनाह जाए कि आज विभिन्न शैली निश्चय देखी थे मुझे आपण मानक मो शैली बन देखी ए रेसीपी को। तो रेसीपी स्टार्ट करने आगर लाइक करनी सब्सक्राइब करूँ चैनल को बेल आइकन को प्रेस करनी। नमस्कार मु गायत्री आपण समस्त त्रिशा किचन को पुणी थे बहुत बहुत स्वागत करुच्चे। तेज चलत डेरी नक स्टार्ट कर आज रेसीपी। रेसीपी स्टार्ट करने बेले प्रथम ये कड़ई में मुझे दुई ग्लास पा दे से ही पानी रे काटी रखी आलु आ छुई को पके गोटे फुटण माने गोटे बांफ सीझे नवा जहाद्वारा कि आमको बेसी तेलर यूज हवा को पड़ब ना। तो कम तेल आज मुझे देखी छुई आलु बैगण बड़ी बेसर झोल किपर प्रस्तुत करेंगे आपको कभर कर नवा छुई आलु सीझा को छाड़ीद सीझा भितर आम मसला रेडी करवा मसलापी मुझे गोटे इंच अदा को काटि नहीं दुई चमच सोरस नहीं जाऊँगी कला सोरस हाफ चमच जीरा नहीं जाऊँगी पाँच रु छ कला रसुण को नहीं जाऊँगी आपको गोटे फाइन पेस्ट बन नहीं आसवा। तो ये गोटे बांफ आसी सारा फुटी सारा देखिपी छुई आलु आए समय आपको बेसी समय आ कुक अल्प टिके समय सीझेबा जेहेतु आलु टी आझी ना। तो दर सीझा है पर्यटन आम अपेक्षा करवा कभर ओपेन कर चेक करवा छुईर कलर चेंज हो सारा आलु सीझी सारा ये स्टेज रे कड़ई रु आलु छुई को अलग कर नवा। तो सेम कड़े दे नवा रिफाइन तेल। रिफाइन तेल मुझे गोटे छोट चमच दे बेसी बड़ चमच रे तेल देनी अल्प तेल आम ये बनवा छुई आलु बेसर झोल रेसीपी को। तो तेल पकई ना अल्प टिके लाल लंका गुंड अल्प टिके हलदी गुंड जहाद्वारा कि आम जिते भी बैगण को भाजवा जमा भी कला पड़ब ना बैगणटी आ देखापी बहुत ही कलरिंग देखा आम तरकारी बेसरटी। तो बैगण को पकई भल भाव में भाजी नवा लाइट गोल्डन कलर है पर्यटन भाजी ना। तो मझे जी दरकार पड़े आपरी कभर कर घोड़े भाजपारे। तो ये बैगण देखिपी टी दरड़िया दरड़िया होकर लाइट गोल्डन कलर गोटे गोटे सैड आसी सारा बैगण को मुझे सीझेली ना बेसर में बैगण टी फिटी तेणुक बैगण को मुझे हाल्का टी भाजी नहीं कि बेसर बनाऊँगी जहाद्वे कि टेस्टर दुई गुणा आसब आपड़ यही प्रोसेस रे निश्चय बनातु देखिए बहुत ही टेस्टी लगे। बैगण तो भजा हो सारा ए बैगण को आम कढ़ई काढ़ी नवा से ही कढ़ई ही मुझे तेल देनेबी ए तेल अच्छे आ गोटे चमच तेल दे नवा अल्प टिके तेल दे सारिकी आम जो बड़ी को रखी थे बड़ी को पक भाजी ना आ बड़ी रेसीपी आपण मैंने देखा चाहती मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दीजिए से आप देखिपर ये बड़ी किपर प्रस्तुत हो। तो बड़ी को लाइट गोल्डन कलर है पर्यटन भाजवा आपण मैंने कौ शैली बनाऊँ छुई आलु बड़ी बैगण बेसर निश्चय मत प्लीज कमेंट कर जनइबे। ये तो मो शैली बनाऊँगी बहुत ही कम तेल दे प्रस्तुत करुच्ची आपण मैंने किपर बनाऊँ निश्चय बनवा निश्चय मत कमेंट कर जनइबे। तो से तेल अल्प टिके सोरस अल्प टिके पियाज पकई पियाज लाइट गोल्डन कलर है पर्यटन आम आपको ये भाजवा। तो देखिपी के कम तेल मसलार मुझे प्रस्तुत करदे आम ओडिया मान ओडिया मानक अति प्रिय छुई आलु बड़ी बैगण बेसर झोल। तो बेसर को ये पकईने जहाँ कि मसला बाटी सांगे सांगे कभर करदे जहाद्वारा कि मसला गुड़िकर पानी गुड़ाक छिटा हो पड़ब ना आतर ही रही बहुत भल भाव से कुक हम तहत ये देन हलदी गुंड और लंका गुंड आ छड़ा मुझे कौन सी मसला मुझे व्यवहार करूँ ना बेसर में। तो यही कम मसलार बहुत ही भल रिजल्ट पाई झोलर। तो भल भाव आपको गोल सारापर अल्प टिके ग्राइंडर में पा दे भल भाव पक कसई ना मसला को मसलार बास्ना तो बहुत ही भल आसला कितु अधिक समय आपको टी कसईवा पड़ो जेहेतु आम आलु छुई बैगण आगु हाफ कुक रेडी कर सारीचे तो ओभर कुक करवा ना ये। तो बेसर में टमाटो दे नवा टमाटो को पक भल भाव आपको भाजवा ता पूर्व अल्प टिके लुण दे नवा टमाटर जहाद्वारा कि टमाटो शीघ्र सॉफ्ट हम और शीघ्र मसला कुक हम। तो स्वाद अनुसार टमाटो को देख ही आप लुण देते लुण पक सर भल भाव पुणी थे एकाठी कर नवा मसला को आगे कभर कर नवा कभर कर मसला को कसईवा द्वारा मसलार स्वाद दुई गुणा बढ़ी जाए और जमा भी सी लग न था तलु जहाद्वारा कि मसलार बांफ पा मसलार रही मसला भल भाव कुक होता है मसलार कंचा स्मेल शीघ्र जाए। तो ये तो आम पखापाखी मसला रेडी सारे आगे मत लगुच कभर कर कुक करवा।
तो अल्प समय पर पुणी कवर कर कुकर थी आ देखिपुन तेल सेपरेटेड हो सारे मसला रेडी हो सारा बेसी समय आसैबा ना जेहेतु सोरस मसला बेसी समय भी कसैले पिता लग जाए आम झोलटी तो ये मसला तो आम रेडीगला एवं कौन करवा आम जो पूर्वर प्रस्तुत कर रखी थे छुई आलु आ बड़ी को पकई नवा जेहेतु बड़ी टी सीझे तो बड़ी को पकेबा बैगन को रखी नहीं बैगन यू फुटी सारापर यूज करवा तो छुई आलु बड़ी पकई सारापर आम जो सीझे रखी थे छुई पा को दे नवा आक जी आपण मान जूस पसंद व झोल पसंद ये आपड़पारे ये मुझे हाफ ग्लास पा यूज करुच्छी झोलपाई एवं आपको मुझे भल भाव कभर करनेबी ता पूर्व मुझे स्वाद अनुसार लुण दे नौ लुण पक सर भल भाव टे गोल ना आखिपी तरकारी बेसर कलर के बढ़िया आसी कभर करनाबा हाई फ्लेम करनाबा गैस को गैस फ्लेम को हाई कर बड़ी आलु आ जो छुई आम फुटी सारा ये स्टेज में पकई नवा आम बैगन जेहेतु बैगन अलरेडी कुक हो जाएना ओभर कुक करवा दरकार नहीं तो यह भाव में मसला फुटलापर ही आप बैगन को आड करेंगे बैगन पकई सारापर आईर आम मसला कि लुणर व्यवहार करवा ना एमें भल भाव कुक करवा जेहेतु बड़ी आहरी सीझे बड़ी टी सीझी ना पुणी या कभर करनाबा गैस प्रॉब्लम हाई ही रखी तो ये पखापाखि मुझे पाँच रु दस मिनिट कु सरलापर मुझ मोर रेजल्ट पाई छुई आलु बड़ी बेसर रेडी जेहेतु आपण को झोल झोल देखा जाऊँगी कितु ये थंडा हो सारापर बड़ीटी आमर कौन करना ये सब झोल को सोक कर मैंने जितकी ग्रेवी अच्छे यार ग्रेवी अधा हो बड़ी गुड़ाक टी फुलीज हालाका फुलीज ता पूर्वर गैस फ्लेम बंद करने पूर्व स्वाद अनुसार धनिया पत्र पकईवा आपण को यहाँ फ्लेवर जी भल लगे करेंगे ना स्की भी करें तो ये तो आम रेडीगला छुई आलु बड़ी बैगन बेसर झोल निश्चय आशा करुच्छे ये रेसीपी आप समस्त भल लगी ट्राए करेंगे कौ उपाय आप बनाऊंट मत प्लीज कमेंट कर जनइबे आ बढ़ी देखिपुट डबल हो सारा आपको थंडा हाँपी आम छाड़देव थंडा हालापर आहरी झोल गुड़िक सोकर नब बड़ी गुड़िक आहरी फुलीज देखिपुट बड़ी गुड़िक फुली जाइए मुझे गैस तल को आनी कड़े को एवं आपको सर्व करवा झोल गुड़िक बसी जाइए आप देखिपुट ना किंतु झोल रहा द्वारा आमको ये बेसर खाइबापी बहुत ही टेस्ट लगी था तो मुझे ये बड़ी आलु बैगन झोल बेसर बनई बेसर झोल बनई आशा करुच्छे आज रेसीपी आप समस्त भल लगी जदि आज रेसीपी भल लगी थाए तो प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे अधिक रु अधिक सब्सक्राइब करें प्लीज वीडियो बनवाप बहुत ही समय बहुत ही परिश्रम करने को पड़ू गोटे लाइक करूँ आदि नुआ देखु था सब्सक्राइब करनी।